बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीन हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। जो मैं अमल आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बहुत ही लाजवाब अमल है और ये एक अमल ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला इसके करने से फरिश्ते आपकी मदद को आ जाएंगे और ये दुआ अर्श को हिलाकर रख देगी। ये अमल सूरह रहमान की आयत का है और ये आयत अल्लाह पाक के पसंदीदा अल्फाज हैं। जो भी अल्लाह पाक को इन पसंदीदा अल्फाज के साथ इस आयत के साथ पुकारता है तो अल्लाह पाक ज़रूर उसकी हाजत को पूरा फरमाते हैं, उसकी परेशानी को ख़त्म करते हैं। ये आयत अपने अंदर ऐसी तासीर रखती है कि अर्श को हिला कर रख देती है। ये आयत सूरह रहमान की फ़ाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है और ये ज़ुबान पर बहुत ही हल्की है। याद रहे कि जब मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे और अल्लाह पाक वहाँ अपना दीदार मुसलमानों को करवाएंगे तो अल्लाह पाक उसके बाद सूरह रहमान की ही तलावत करेंगे। सुभान अल्लाह। आपकी जो भी हाजत है, परेशानी है, दिली मुराद है, इंशाअल्लाह ताला वो इस अमल के करने से ज़रूर पूरी होगी। आज का वजीफ़ा वजाहत से बताने से पहले मैं आपको एक खातून का एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ जो फरमाती हैं कि मेरी तीन बच्चियां जवान थीं और मैं उनके रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके रिश्ते आते तो थे लेकिन बात बन ना पाती थी, बार बार इनकार हो जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मुझे किसी जानने वाली ने बताया कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। मैंने ये वजीफ़ा तसलसल से किया। अभी मैंने कुछ ही अरसा किया था कि मेरी बेटियों के बहुत अच्छी जगहों से रिश्ते आए और वहाँ पर हाँ भी हो गई, बात भी पक्की हो गई और आज मेरी बेटियाँ ब्याह कर बहुत ही अच्छे घरों में चली गई हैं। और ये रिश्ते ऐसे ही थे जैसे कि मेरे दिल की मुराद थी कि मेरी बच्चियों के रिश्ते ऐसे आएँ। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इस अमल की वजाहत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने पाक साफ़ जगह का इंतहाब करना है, उसके बाद आपने बावजू होकर यकसुई के साथ कुरान पाक की इस आयत का मफहूम अपने जहन में रखते हुए अमल करना है। जैसा कि इस आयत में नेमतों का जिक्र है और नेमतों को जुटलाने से मना किया गया है, बल्कि उसके बरक्स शुक्र करने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें हमें दी हैं हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। आपने ये इस तरह से अमल करने के बाद आपने तीन बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने एक तस्बीह फ़ाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की पढ़नी है। एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर तीन बार दुरूद पाक पढ़ना है और अपनी हाजत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अगर आप शुरू में हाजत के दो नफल भी पढ़ना चाहते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ये अमल आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है और इशा की नमाज के बाद, यानी दिन में दो बार आपने ये अमल करना है और इसको आपने जारी रखना है जब तक कि आपकी हाजत या आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती और आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से कुछ ही अरसा आप ये अमल करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन नतायज मिलेंगे। यकीन किसी भी वजीफ़ा के लिए शर्त होता है, आप जितने यकीन से करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका काम उतनी ही जल्दी होगा, उतने ही नेक असबाब पैदा होंगे। याद रखिएगा, वजीफ़े को कभी भी आजमाइएगा ना, बल्कि यकीन की ताकत से पढ़ें। अल्लाह पाक आपके तमाम बिगड़े काम इंशाअल्लाह ताला संवार देगा। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।